हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन ऑन कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग का पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले लाइफस्टाइल का ब्लड प्रेशर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है। सो लेट्स सी क्या लेना देना है और लाइफस्टाइल का ब्लड प्रेशर के ऊपर। देखो, ब्लड प्रेशर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये है कि ये जो आप जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं आपका बीपी बढ़ता है। आप जब दौड़ते हैं भागते हैं आपका बीपी बढ़ता है, बट देन आपकी बॉडी के अंदर टेंडेंसी है कि वो ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। सो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है और आप या आपको ब्लड प्रेशर है और आप दवाई ले रहे हैं, तो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि अपने लाइफस्टाइल को असेस करें। तो अगर आप ब्लड प्रेशर अपना लोअर रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, तो आगे चल के लंबे समय में आपको बीपी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, नंबर वन। तो नंबर दो, अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं तो दवाइयां कम कर पाएंगे, बंद कर पाएंगे। यस, हर इंसान जो ब्लड प्रेशर की दवा लेता है वो दवाई कम कर सकता है अगर वो सही तरीके से उसको मैनेज करे, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और उसे ठीक करे। मेडिसिन जो है हाई ब्लड प्रेशर की अगर आप ले रहे हैं तो उसे बेहतर तरीके से काम कर पाएगी मेडिसिन, और कम दवा की जरूरत पड़ेगी और चांसेस आपके कम हो जाएंगे आगे चल के हार्ट अटैक या ऐसी कोई बीमारी का आने का। सो क्या करना होगा आपको, कौन सी लाइफस्टाइल चॉइसेस जो है वो आपको हेल्प करेगी, ऐसे इश्यूज में बात करते हैं। सबसे पहला जो लाइफस्टाइल चॉइस आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर वजन ज्यादा है, 20 किलो 10 किलो 15 किलो, तो ये ज्यादा वेट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। वैसे अगर किसी का मसल मास ज्यादा है तो हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज के हायर साइड में उनका भी रह सकता है। सो यू हैव टू लूज वेट। सबसे पहला, अगर आप वजन कम करते हो, ये चीज हो गई। और दूसरा, आपके डाइट में अगर रिच फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और लो फैट कॉन्टेंट है, लो फैट चीजें लेनी है, लो फैट दूध दही पनीर लस्सी छाछ, लो फैट मीट, कोई स्वीट्स जो है, रिफाइंड फूड जो है, रिफाइंड ग्रेन्स आप कम करें। नमक सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया भर को पता है नमक कम करना है, बट नमक घर का जो नमक है वहां से नहीं आ रहा, नमक आ रहा है जो आप बाहर से बेकरी से चीजें, बेक चीजें, पैकेज्ड चीजें, चिप्स हैं, समोसे हैं, कचौरी हैं, इन चीजों में बहुत नमक या शुगर होती है। तो नमक शुगर ये चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। तीसरी चीज अगर आप कर ली, चौथी चीज जो मेन है एक्सरसाइज है। आधा घंटा एक्सरसाइज डेली अगर आप करें, हफ्ते में 5 दिन भी करें, तो बहुत फायदा हो जाता है। प्लस ड्रिंकिंग और स्मोकिंग दो बड़े कारण हैं जिनके वजह से दिक्कत होती है, तो आपको ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जो है उसको करना है कम। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान में रखना है आपको। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इशू, तो फिर गलती से भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग की वजह से खून की नसें सख्त हो जाती हैं, उनके अंदर क्रैक्स जल्दी आते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, कंप्लायंस जिसे हम मेडिकल फील्ड में कहते हैं वो कम हो जाता है। बट अगर आप स्मोकिंग कर दोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने के साथ साथ आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस भी बेटर हो जाएंगे और आप ज्यादा लंबी जिंदगी जी पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा कैसे आप इसको अचीव करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट स्लो। ये मत सोचो कि पहले दिन से मैं 10,000 स्टेप्स कर लूंगा और या जिम में 2 घंटे बिता लूंगा। स्टार्ट स्लो, खाना खाने के बाद या दिन में एक बार या दो बार किसी भी टाइम 15 मिनट 10 मिनट की वॉक जरूर करो, राइट। कोई ना कोई एक्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करो। अगर आप डेली बाहर खाते हो तो उसको कम करके हफ्ते में 2 बार बाहर खा लो। सो रिड्यूस वट एवर रॉन्ग यू आर डूइंग स्लोली, ताकि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और आप उसे फॉलो नहीं करते लंबे समय में, तो क्या फायदा होगा बताओ, समझे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लूजिंग वेट इज ऑल्सो जस्ट लाइक दिस। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो लेकिन आपने एकदम से बहुत हाई टारगेट रख दिया कि खाना ही बंद कर दिया, तो मेटाबॉलिज्म शट डाउन हो जाता है, आपका BMR शट डाउन हो जाता है। जस्ट लाइक अगर 2 महीने आपकी कमाई नहीं हुई तो लाइटें बंद करके घर पे रहने लगोगे, कम बिजली यूज करो, कम खाना खाओ, कम चीजें यूज करो, एवरीथिंग गेट्स स्लो। जैसे ही आप बॉडी में इतना कम कार्ब्स, इतने कम प्रोटीन, खाना बंद कर देते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो BMR भी शट डाउन या बहुत लो हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका। सो लूजिंग वेट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऑल यू नीड टू डू इज स्टॉप डूइंग रॉन्ग थिंग्स एंड स्टार्ट स्मॉल, चीजें शुरू करिए जो आप कर सकें। तो क्या करना होगा, ईट लेस मूव मोर, वेरी सिंपल। ज्यादा चलो, पूरा दिन चलते रहो, यहां वहां चलते रहो। सो प्रॉब्लम क्या होता है, लोग सोचते हैं 1 घंटा जिम कर लिया बस बहुत हो गया, नहीं, या थोड़े देर एक्सरसाइज खेल के आ गए बहुत हो गया, नहीं। पूरे दिन की एक्टिविटी मैटर करती है वेट लॉस में। सो पूरे दिन अगर आप एक्टिव हैं, सुबह उठने से रात सोने के बीच में अगर आप अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, तो स्टेप काउंट एक अच्छा तरीका है। वरना पूरे दिन एक्टिव रहिए, स्टेप कंप्लीट करिए बेसिक। अगर आप 6000 स्टेप्स भी नहीं चलते तो आप इनएक्टिव हैं। इफ यू आर इनएक्टिव, 6000 स्टेप्स भी नहीं चलते, सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो आप,
राइट कई लोग सर्दी के मौसम में 2,000-3,000 एक आध दिन ठीक है, पर रेगुलरली गलत है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप अपना एवरेज स्टेप काउंट, हफ्ते भर का एवरेज स्टेप काउंट 6,000 से ऊपर लेके जाओ, फिर 7 से ऊपर, 8 से ऊपर, 10,000 टारगेट होना चाहिए, एक आध महीने में, एक दो हफ्ते में अप्रूव अचीव हो जाएगा। सो ईटिंग लेस, यस दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज योर स्टेप काउंट। सो डाइट कैसे इंप्रूव करेंगे, हर इंसान जिसका बीपी है, कई लोग डरते हैं एक्सरसाइज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो स्टेप काउंट इज वेरी इजी, चलना ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाइट में देखो ऐसा है कि कोई एक फिक्स चीज नहीं है कि यही खाना है, डैश डाइट ही लेनी है, डिप डाइट ही लेनी है, प्रोटीन्स खाने हैं, ऐसा नहीं है। बैलेंस होना जरूरी है, हेल्दी डाइट होनी जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कट अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड को कट करो सबसे पहले, चाहे रिड्यूस करो, आधा करो, आधे से आधा करो, कट करो, बंद करोगे तो बहुत अच्छी बात। अगर आप अनहेल्दी फूड नहीं ले रहे तो बीपी क्यों बढ़ रहा है ना, बीपी क्यों बढ़ रहा है, इसका सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, आपके डॉक्टर के पास होना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है बीपी। अगर आपको नहीं पता कि भी मेरा बीपी क्यों बढ़ रहा है, सो हाउ विल यू सॉल्व दैट, सिंपल सी बात। अगर आपको पता ही नहीं है कि बीपी क्यों बढ़ रहा है तो सॉल्व कैसे करोगे। सो सबसे पहला पॉइंट है, कई लोगों का स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीपी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, समझे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं, जितना खाना है खाओ, चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको कोई और बीमारी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। कभी कभी कुछ कुछ फ्रूट्स के अंदर जो बीजे होती हैं, सीड्स होते हैं, ऑक्सैलेट्स यानी कि किडनी स्टोन्स वाले लोगों के लिए वो कम किया जाता है। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कुक करके खाना चाहिए, कुछ को वैसे ही खाना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हमारे वीडियोज में मिल जाएगा। होल ग्रेन्स आप दबा के खाएं, होल ग्रेन्स में कोई इशू नहीं है। उसके अलावा एक सेकेंड, कोई कमेंट अभी तक, अरे हाँ अभी कोई कमेंट नहीं आया है इसमें तो, हाँ सो कमेंट अभी तक नहीं आया, मतलब अभी मेंबर कोई हमारे पास आया नहीं है लाइव। सो कई अभी हमारे मेंबर जो हैं कम है, सो देखो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आपके सवाल आ सकते हैं यहाँ पे लगातार, है ना। सो मेंबर्स के लिए ये बेटर किया है, और हजारों करोड़ रुपए नहीं है, केवल हफ्ते में सॉरी महीने के आपको 89 रुपीस पे करने होते हैं महीने का। सो ऐसे महीने में आपके हो सकता है 4 बार 5 बार 10 बार आपसे इंटरेक्शन हो जाए, तो अपने सवाल पूछने का ईजी तरीका है। नहीं आता है कैसे ज्वाइन करें तो ज्वाइन का बटन दबाएं, फॉलो करें इंस्ट्रक्शन या यूट्यूब पे सर्च करें। सो भाई सब्जी ज्यादा खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, नट्स खा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी में कम, इसलिए लिखा है सम नट्स, सम बीन्स, पीनट्स, दाल, चिकपी, सिमिलर। सम क्यों, सारा का सारा ऐसा नहीं कि पूरे दिन में केवल दाल खा रहे हैं, केवल दाल खा रहे हैं, केवल चने, चने से बने दाल से बने ये दाल दाल दाल, या केवल ग्रेन्स खा रहे हैं, है ना, रोटी रोटी रोटी, आटा रोटी आटा रोटी, रोटी के साथ ही बना हुआ उसके दलिया उसके ये, ऐसा भी नहीं। सो एक ही चीज नहीं खानी है, यू नीड टू हैव लाइक परसेंटेज, और पूरे दिन का खाना अगर आपने एक टेबल पर रखा तो वहाँ नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे पूरे दिन के खाने में इतने परसेंटेज दाल है या लेंटिल्स हैं, इतने परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट होल ग्रेन्स हैं, राइट, इतना सा स्वीट है, कितने परसेंटेज है। तो कुछ दाल खानी है आपको, कुछ दाल खाइए दिन भर में 1-2 कप कटोरी, 50-100 ग्राम खा लो, चलो कुक्ड। और नट्स आप खा सकते हैं 4-8 नट्स मिक्सअप, पीनट खा लो 50-20 ग्राम, थोड़ा कम डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर इंसान के लिए फिक्स नहीं होता, हर के लिए अलग से डाइट डिवाइस करनी होती, बनानी होती, इसके लिए आप डाइटिशियन से बात कर सकते हैं। फैट फ्री लो फैट मिल्क सबके लिए अच्छा है, अनलेस यू आर लाइक एलर्जिक, लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो मिल्क ले सकते हैं। और फिश आप ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें डेली भी ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार 250 ग्राम फिश खाना अच्छा होता है। तो हेल्दी डाइट की कोई परिभाषा नहीं है, कोस्ट टू कोस्ट, एरिया टू एरिया, जनरेशन टू जनरेशन, एक हेल्दी डाइट उसके लिए वो है जैसी उसकी लाइफस्टाइल के साथ सही मर्ज हो जाए, उसकी चॉइसेस के साथ मर्ज हो जाए, गंदगी हट जाए और उसके जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो सारा ना हेल्दी आए बस। सो ऐसा भी नहीं है कि व्हाइट राइस खा लिया तो कोई पाप है, बस इतना है कि व्हाइट राइस एब्जॉर्ब जल्दी होता है, इंसुलिन स्पाइक जल्दी होता है, तो एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आर बेटर। बट अगर एक साथ भी खाना पड़ रहा है तो कंपाउंड कह लीजिए फूड या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चूज करें। उसके बाद सॉल्ट को कम करना पड़ेगा भाई, रिड्यूस सॉल्ट, यस। सो याद रखो मैंने बताया है कुकिंग वाला सॉल्ट में एक ऑप्शन है, दूसरे सारे ऑप्शंस हैं, जितने भी कैंस, बॉक्सेस, जार्स, बैग्स में फूड आता है उनमें प्रिजर्वेटिव के हिसाब से, याद हो आप अचार खाते हैं, अचार में क्या प्रिजर्व, कौन सी चीजें प्रिजर्वेटिव होती हैं, तेल और सॉल्ट, नमक और तेल, राइट, फैट एंड सॉल्ट, वो प्रिजर्व करता है अचार सालों साल चलता है। सो वैसे ही आप जो बाहर की चीजें खाते हो, वाई उसकी शेल्फ लाइफ है कुछ हफ्ते महीने साल, वो बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्टेंट ऑफ सोडियम, तो सोडियम वहां से कम करें, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रेश फ्रूट खाएं, और बाकी बाहर का खाना कम करें, ठीक है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिव रहे। मैं बता चुका हूँ किसी भी तरीके से पूरे दिन एक्टिव रहो। ड्रिंकिंग थोड़ी सी कम करनी है आपको, लिमिट करिए। अगर आप डेली पीते हो तो गलत है, उससे कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपकी नींद की क्वालिटी कम हो जाती है, ऑल्दो नींद जल्दी आती है बट क्वालिटी ऑफ स्लीप, डेप्थ ऑफ स्लीप कम हो जाती है। बॉडी को ओवरऑल रेस्ट कम मिलता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशाब ज्यादा आता है, उल्टा पानी कम पीते हो तो डिहाइड्रेशन होता है। तो देयर आर साइड इफेक्ट्स, प्लस लॉन्ग टर्म पे लिवर पे दिक्कत, तीसरी दिक्कत मोटापा आना, अपने आप में दारू में कैलोरीज, तो बहुत सी इशू है। ड्रिंकिंग अल्कोहल शुड बी रिड्यूस्ड। अगर आप फीमेल हैं एक पैग ले सकते हैं पर डे या जिस दिन भी पीते हैं, मैन है तो दो, बट ये इसको हफ्ते में कमर, हफ्ते में एक बार या दो बार इस फाइन, महीने में एक बार दो बार, हर इंसान के लिए अलग है, ठीक है। जिसको ऑलरेडी बहुत बीमारी हो गई है उसके लिए तो बंद कर दो बेटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट विथ अ ब्लड टेस्ट, स्टार्ट विथ योर टेस्ट। आपके टेस्ट कराइए, आपकी बॉडी में हेल्थ चेकअप कराइए, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी के टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ। सो यू कैन डू इट इफ यू स्टार्ट स्लो। ब्लड टेस्ट, टेक अ गुड डॉक्टर्स कंसल्टेशन, स्टार्ट विद वन थिंग एट अ टाइम, राइट। टेस्ट करा लो, उल्टा सीधा खाना बंद करो और स्टेप्स थोड़े से अपने मॉनिटर करो। ये तीन चीज आप कर लो और उसको एक हफ्ते के बाद में असेस करो कि क्या किया मैंने, सही किया गलत किया। एंड यू विल सी दैट यू विल बी बेटर एवरी वीक इफ यू जस्ट स्टेप अप योर गेम एवरी वीक। इतना काम कर लीजिए। और हमारे सेशंस में सवाल पूछने के लिए बहुत ईजी है, आपको करना क्या होगा, आपको एक बार अपना हमारा ज्वाइन का बटन दबाना होगा, ज्वाइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, और ऐसे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।